मत कर, बोला 100 बार बोले से फेंको फाके मत कर यार। सब गर्लफ्रेंड के बैठ के ब्लाउज लेके आओगे मेरे पास सिलाने के लिए? ब्लाउज सिला दे यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे भूत भी लगाना है उसको। ये प्यारी साड़ी है ना, वो ऐसे खड़ी हो गई, मैंने ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मिल गया मार। कभी मेरे लिए इतनी फिक्र की है? सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आज ऑफिस से जल्दी निकला, 5 बजे मैं ऑफिस से निकला था, अभी करीबन 7 बज चुके हैं, 10 मिनट में घर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद मैंने एक साड़ी के दुकान से एक साड़ी खरीदी पूजा के लिए, जो आपको दिखाता हूँ मैं कैसी है साड़ी बताना। लेकिन साड़ी मैं उसको ईजिली नहीं दूंगा, उसको ये नहीं बोलूंगा कि उसके लिए ही खरीदी है, उसको बोलूंगा कि पहले दिखाऊंगा बिखाऊंगा, तो उसके बाद बोलूंगा कि मेरी फ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की साड़ी है जिसने मुझे ब्लाउज सीने के लिए दिया है। मेरी वाइफ ज़रा स्टिचिंग का काम करती है तो उसको पता है कि तू ब्लाउज वगैरह सीती है, तो उसने मुझे साड़ी दी है कि तेरी बीवी को देना और बोलना कि सिला के दे। तो बस रिएक्शन देखने मज़ा आएगा जब उसको पता चलेगा कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी साड़ी मुझे दी है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को दी है और बोला है कि इसका ब्लाउज सिल ले, बोल अपनी वाइफ को। मज़ा आएगा रिएक्शन देखने के लिए। साड़ी दिखाता हूँ मैं, साड़ी कैसी बताना। ये देखिए दोस्तों, ये वो साड़ी है, एकदम मस्त लगी मेरे को, झालर विलर है। तो आते आते अपन ने ख़रीद लिया इसको, काफ़ी दिन से पूजा को कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, और साड़ी साड़ी कर रही थी कि साड़ी लेके दो, काफ़ी टाइम हो गया लेके नहीं दिए, तो साड़ी खरीदी, पता नहीं उसको कैसा लगेगा, लेकिन अच्छी भी होगी तो प्रैंक जो मैं करने वाला हूँ वो देखने के बाद शायद वो बोले कि फाड़ के फेंक डालो, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन चलो मना लेंगे अपन, इसको पटक से बैग में वापस से डाल देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, मैं पहुँच जाऊँगा, बैग में रख देता हूँ और घर पे जाने के बाद जैसे मौका मिले कैमरा से भी मैं सेट कर देता हूँ, मौका मिले वैसे ही प्रैंक शुरू कर दूँगा, उसको बोलूँगा ज़रा बैग दे, वो बैग में ज़रा एक साड़ी है निकाल विकाल, उसके बाद मज़ा आएगा। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग। A few minutes later. मच्छर लाने में रखी नहीं थी क्या? वो हाथ से निकाल देती है मच्छर। बड़ा वाला मच्छर लाने लाना पड़ेगा, थोड़ा बेड कवर करना। नॉटी बन गई, नॉटी अभी हरकत इतना उल्टी पुल्टी होती है ना, पूरा मच्छर दान मुंह में डाल दे। हां तो मुंह में आंख में जाएगा तो क्या करेगा उसका दान? हां उसको फेंक डाल दे, नया ले क्या, और शाम को जाके नया ला। बच्चो हो गया तेरा तैयारी ऑफिस जाने का? हो गया एकदम मस्त दिख रही है। अरे मस्त, अरे मस्त से याद आ रहा है मेरे बैग में एक मस्त चीज पड़ी हो, लेके ना क्या? अरे तो थैली में कुछ लेके आ, दिखाती हूँ। सरप्राइज है तेरे लिए, सरप्राइज। सरप्राइज लेके आओ मेरे लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो रात को ये लेके आ रहे, शाम को आते वक्त निकालना ही भूल गया। ये था सरप्राइज। मस्त है। एक नंबर। कैसे लगी? देना एकदम ऐसा कलर भी नहीं था मेरे पास, तेरे को अच्छा लगा ना? वाह मस्त लग रहा है। कैसा लगता है ब्लाउज? नहीं अच्छा ब्लाउज, ब्लाउज ब्लाउज तो और भारी है। वाह इसका ब्लाउज भी मस्त है, देखो ये डिजाइन वाला है, सब साड़ी में प्लेन मिलता है पर डिजाइन वाला है। क्या बोला तूने? वैसे कितना लेती है तू? किसका क्या है, कितना लेती है? ऐसे ब्लाउज सीना हो तो कितना लेती है? बताना पड़ेगा ना कितना लेती है? किसको बताना?
देखो सिंपल ब्लाउज का 300 रुपए, डिजाइन वाला चाहिए तो 100 रुपए एक्स्ट्रा, ऐसा टोटल 400। उसको सिंपल ही चाहिए, डिजाइन वाले नो, लड़की सिंपल है, सिंपल में पटाला दिखती है। तुम्हारे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। कौन कौन सिंपल में पटाका दिखती है? मतलब अच्छी दिखती है। किसके लिए पूछ रहे हो? लाओ इधर इसको। मेरे एक दोस्त है, हाँ। उसको ब्लाउज सिला, हाँ। हाँ, तो उसके लिए पूछ रहा, 300 ले देना, 400 देती है। तो ठीक है, लेके आओ ब्लाउज सिला के देती हूँ। हाँ? और मेजरमेंट के लिए भी एक लेके आना। वो आपसे पूछ रही थी क्या, उसको किसने बताया कि मैं ब्लाउज सिलाती हूँ? मैंने बोला मेरी पत्नी ये से फाड़ो फाड़ो सिलाई का काम करती है, फटा हुआ सिलाई का काम करती है। फटा हुआ सिलाई का काम करती हूँ मैं? हाँ, तो मेरा फटा हुआ सिला देती है ना। तो आपका सिलाती हूँ, दूसरों का मैं अच्छा सिला के देती हूँ। तो नया तो आपका फटा हुआ सिला के देती हूँ, तो दूसरों को भी ऐसे ही बोलोगे? तो मैं तो समझ भी नहीं, पूछा तो मैंने बोला हाँ मेरी बीवी देती है फटा हुआ सिला के, तेरा भी फटा हुआ सिल दे। भगवान। अच्छा तू 300 रुपए देती ना, 400 रुपए देगी तेरे को सिला के दे। लेके दे आओ उसका ब्लाउज, जो है ना इसमें खत्म है ना, उसमें है ना ब्लाउज। ये वाला क्यों दूं मैं उसको सिला के, मेरा है ना। अबे पागल है क्या, ये उसकी साड़ी है, गर्लफ्रेंड की साड़ी है उसका। गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड मतलब ऑफिस की कलीग, मेरे बाजू में बैठती है। तो गर्लफ्रेंड बन गई? मतलब गर्ल पे फ्रेंड, वैसे वो गर्ल है ना। क्या बोल रहे हो आप? अरे उसने साड़ी ली थी तो उसने मेरे को दी, मैंने बोला कि मेरी बीवी से की है तो दे देगी सिला के ब्लाउज वगैरह, तो उसने दे दी। कैसे हो यार आप? क्या हुआ? मेरे को लगा मेरे लिए लेके आए हो। तो तेरे लिए लाया ना, क्या फटी हुई गर्लफ्रेंड की साड़ी मेरे को, मेरे पास ब्लाउज सिलाने के लिए। तेरे लिए लाया इसका? मैं कितना खुश हो गई थी पता है? तो ब्लाउज सिलाने के लिए लाया ना, तुझे पैसे मिलेंगे ना, सरप्राइज सरप्राइज, पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। पैसा ही पैसा होगा। लेके जाओ उसकी फटी हुई साड़ी। कहाँ फटी है? कहाँ फटी है? फटी है मेरे लिए। सिला के देना, सिला मैं बोल। मैं नहीं सिला रही हूँ, ज़्यादा खुश मत हो। हाँ और ऐसा ढिंढोरा मत पीटो जाके, मेरी बीवी ब्लाउज सिलाते, सब गर्लफ्रेंड के फ्रेंड के ब्लाउज लेके आओगे मेरे पास सिलाने के लिए। बात तो सही है। सिला दे। उसको मैं इसका नाप नहीं है, कैसे सिलाऊं? आपको बड़ा दर्द हो रहा है, इसका नाप तो खराब है ब्लाउज। ऐसे मत फेंक, नई साड़ी है, प्यारी साड़ी है ना, कुछ हो जाएगा इसको। इसको नहीं, आपको ही कुछ तो हो रहा है। घड़ी क्या हो रहा है? इसकी घड़ी में घड़ी रख, घड़ी बांध के रख। मैं नहीं, मैं ऐसे ही उठा के दे देती हूँ सबको। मत करना यार, दर्द हो रहा है, रहने दे। आपको बड़ा दर्द हो रहा है उसकी साड़ी फेंक रही हूँ तो। ठीक है जान दे उसे। कौन है, कौन हो तू? ब्लाउज सिला के दे। अरे फ्रेंड है बाबा, क्या बोल रहे हो? तो गर्लफ्रेंड क्यों बोला फिर? मतलब वो गलती से निकला, गर्ल में फ्रेंड है इसलिए वो गर्लफ्रेंड मैंने बोला। ठीक है मैं मान भी लेती हूँ, मैं ब्लाउज सिलाऊंगी। नाप तो किधर है? ऐसा आधा आधा लोग कम क्या? तो नाप लेके रखा मैंने, है ना, मेरे बैग में लिखा हुआ लेके आता हूँ ना मैं, तो जब बेटे की सिलने में लेके आऊंगा। वो ऐसे खड़ी हो गई, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मिल गया माँ। शर्म भी आती है बोलने के लिए? आपको बड़ा सिलाने आता है तो खुद ही सिलाओ ना, नाप लेके आए हो उसका। अरे तो कौन बोला ऐसे बॉडी का नाप लेने के लिए? बड़े खुश होके गए होंगे, आपको कुछ पता तो है नाप कैसे लेते हैं? अरे तो उसको पता है ना, तो उसने मेरे को बोली, मतलब दर्जी के पास ही गली, जो एमरजेंसी टाइम नहीं मिल रहा था उसको, तो वो ना मेजरिंग टेबल बैग में ही था उसके, तो बोली कि ऐसा नाप ले तो इतना लीक, ऐसा ली इतना लीक, तो मैंने वैसे वैसे करके लिख लिया, तो है मेरे बैग में। ऑफिस में ये सब काम चलता है आपके? अरे जब कोई नहीं रहता, जब काम नहीं रहता, तो बस इसे लेके जाओ ना ऑफिस में, सब लड़कियों के नाप लेके सिला उधर। तो मेरे को क्या आता सिलाने, तो नाप लेके आओ फिर। तू भी चलना मशीन में, तेरे जॉब लगा तो कपड़े सिलने के। कोई जरूरत नहीं है आपकी जॉब की मेरे को। अच्छा तू जान दे, वो सब जान दे, सिला के दे देना। मैं नहीं सिला रही हूँ, तो खुद लेके आया हो ना नाप वगैरह, जाके खुद। अगली बार तेरे को भी लेके आऊंगा, और इसी वाली साड़ी रो मत इतना। नहीं चाहिए मेरे को साड़ी। अरे ब्लाउज सिला के दे पूजा, मैंने उसको प्रॉमिस किया है, उसको कल जाना है शादी में किसी के, मैंने ब्लाउज सिला के यहाँ पे ऐसे भूख भी लगाना है उसको, मैं भूख लेके आता हूँ, ऐसे मस्त ऐसे दो तीन ऐसे भूख लगा, ऐसे पकड़ के ऐसे ठीक से भूख लगाना।
और पीछे नाड़ा भी नोड़। हाँ? आपको बड़ा पता दिया। अरे उसने बोला कैसे बोल रहा उसकी रिपोर्ट, वो ना बैगलेस वाला रहना चाहिए थोड़ा, वो बोले ऐसे मेरी बैग दिखनी चाहिए और नाड़ा होना चाहिए, नाड़ा ऐसे पूरा नीचे दिलाना चाहिए। क्या कर रहे हैं यार तू? किसने बोला था मेरे को? पूछा फ्रेंड का ब्लाउज लाने से पहले, फ्रेंड का ब्लाउज लेके आ रहा हूँ सिलाने के लिए, खुद नाप लेके आ गए हो, किधर ऊपर नीचे हो गया? तो हो गया तो देख, उसने जो बोला वही लिखा मैंने, ऊपर नीचे होगा तो वो देखे। तू क्यों कर रही है, तू इतना टेंशन मत ले, तुझे पैसे पैसे से मतलब रखना, पैसे देने की घड़ी है सिर दे इसको और अच्छे से घड़ी मार यार, कितनी प्यारी साड़ी है ये, ऐसे सब मेरे को नहीं करना है। मत कर, बोला 100 बार बोले से फेंको फाके मत कर यार, नई साड़ी है उसकी। अरे साड़ी तो है, उसको थोड़ी फेंक रही हूँ, आपको इतना दर्द हो रहा है। अरे तू नई साड़ी को क्या बोले, उसको पहन के जाने से फेंक क्यों रही है, एड़ी है क्या तू? पहन को जाना है, किधर जाना है पहन के? तो जाना है उसको कहीं बाहर, रिसेप्शन है, शादी है, अच्छे से घड़ी मार के अंदर कबर्ड में रख दे, फिर आने के बाद सिल दे। कबर्ड में नहीं रखती हूँ मैं कस्टमर के साड़ी कपड़े, कबर्ड में क्यों रखूँ मैं, उधर एक खोपचे में डाल दूँगी। अरे ये अलग वाला है रे, ये खोपचे में सबका पड़ता है, ये स्पेशल वन का है। कौन स्पेशल, किसके लिए स्पेशल वन? आपके लिए होगी, मेरे लिए दोस्त है ना मेरी, रहने दो आप देखो, खुद इतना सब करके आओ ना, खुद ही सियो और दे दो, मैं नहीं सिला के दे रही। मैं उसको क्या बोलूंगा? क्या बोलोगे आप, सिल के दे दो ना फिर। मत कर ऐसे, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मत कर। मैंने जुबान दी है, जुबान की वैल्यू रखना मेरे। कुछ नहीं खराब होगा, जाओ कुछ सिलाओ और दे दो। इतना ओवर करती है रे पूजा, ले नहीं सिलना, मत सिल, तेरे फ्रेंड के बराबर। मैं कितना खुश हो गई थी, मेरे लिए साड़ी लेके आए हो बिना बोले, बिना कुछ फंक्शन के, बर्थडे के, तेरे लिए सरप्राइज लेके आए हो, तेरे लिए जैसे कभी लेता ही नहीं, तेरे लिए साड़ी लेके आऊंगा बोल रहा हूँ ना, तेरे लिए मैंने अभी नहीं चाहिए मेरे को, लेके आऊंगा तेरे लिए ब्लाउज तो लेके आया मैं, ब्लाउज का काम वो नहीं दिख रहा तेरे को, बहुत अच्छे से काम लेके खुद जाके ब्लाउज से 300 ब्लाउज से 400 रुपया कमाएगी उसकी, तू साड़ी नहीं ले सकती, इनडायरेक्टली मैंने ही दे दिया ना फिर साड़ी, 400 रुपया कमाएगी उसकी साड़ी आ जाती है, कोई जरूरत नहीं है मेरे को। मत सिलना तो मत सिला, नहीं सिलाना है, दुकान नहीं पड़ेगा, नीचे दुकान में जाके दे दूंगा। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसके ब्लाउज की, उसको जाना है, ये करना है, वो करना है, कभी मेरे लिए इतनी फिक्र की है? तेरी क्या घर की खेती, कभी बोलूंगी ना तो बोलते हो जो पहनना है पहन, नहीं तो मत आ मेरे साथ। घर का अलग है पूजा, तेरा मेरा अलग हम दोनों समझ सकते हैं, लेकिन तीसरे आदमी के अंदर मेरी इज्जत जो है वो कम नहीं होनी चाहिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ में नहीं आता तेरे को? अच्छा मैं दाल बराबर, अच्छा ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, चल तेरे को नहीं चाहिए। अच्छी लगी तो कोई जरूरत नहीं है, भिखारी नहीं हूँ मैं, मेरे बैग भर के पड़े हैं, जाके उसको ही दे दो। बैग भर के पड़े हैं ना फिर भी रोती है इतना, अरे क्या मैं दूसरों के लिए साड़ी नहीं ला सकता क्या? ब्लाउज का काम करना होता तो लेके आया, तो मैंने कहा बोला कि तेरे लिए खरीदी है, तूने सोच ली ढिंडोरा पिटाई, मैंने बोला क्या एक बार तो कि तेरे लिए लाई साड़ी करके, मैंने बोला सिर्फ बैग से थाली साड़ी ले, तू भी खुश हो गई देख के कि वाह मस्त है ये वो, ये कलर मेरे पास नहीं था, मस्त दिख, तू ही बोली, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मूड ऑफ हो गया मेरे, मेरे को नहीं चाहिए मेरे आंखों के सामने से लेके जाने, तो मैं फ्लोर पे फेंक दूंगी। अच्छा सुन सुन, ये साड़ी तेरे लिए है, मैंने मजाक किया। कैसा लगा मेरा मजाक? तेरे लिए लाई रे पगली, तेरे लिए लाया रे, क्या बोले फ्रेंड का है, मजे ले रहा था रे तेरी, तेरे लिए लाया मैंने आते हुए ऑफिस से, आज जल्दी निकला साड़ी लेने के लिए, तेरे लिए खुश हो अभी? तो कौन नहीं खुश होगा इतनी अच्छी साड़ी देख के? क्या साड़ी का वाट लगा दिया तूने पूरा, सोच ना अगर साड़ी का इतना वाट लगा दिया, साड़ी में अगर किसी लड़की को तूने देख लिया मेरे साथ, तो लड़की का क्या होगा? क्या होगा तो सोच के चलना है, दिमाग में रख के। अच्छा पहन के देखा, पहन के दिखा ना, नहीं ब्लाउज सिलाऊंगी ना, अच्छा होगा अभी पहन ना, ब्लाउज पहन के साड़ी से पहन ना, इसके ऊपर पहन ना,
इसके ऊपर कैसे पहनूं मैं ब्लाउज सिलाऊंगी सर, कल परसों पहन के दिखाऊंगी आपको। ओके ठीक है। तेरे लिए यार रोती है यार सिद्धू को तुड़ून समझता है। कौन बोलता है ऐसा गंदा मजाक करने के लिए, लाओ इधर उसको गाड़ी में आके रख। आप रखो